नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। पनवाड़ी की दुकान पे 100 रुपए का नोट दिखाते हुए महेश बाबू ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, ये तो 100 रुपए का नोट जस का तस है, मेरी जिंदगी में तो पता नहीं क्या फर्क पड़ता है। पूरे अखबारों में भी यही खबर छप रही है, लेकिन जो देश की वित्त मंत्री हैं वह कह रही हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है और उसके मुकाबले दुनिया की दूसरी जो मुद्राएं हैं वो गिर रही हैं, तो रुपया भी स्वाभाविक तौर से गिरेगा। तो ये पूरा पचड़ा क्या है, ये घमासान क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार अनिंदो चक्रवर्ती हैं, उन्हीं से समझते हैं। तो सर, पहला सवाल ये कि ये मुद्रा करेंसी कहते किसे हैं, और दुनिया में कई तरह की करेंसी है, रुपया है, येन है, युआन है, यूरो है, पाउंड है, लेकिन क्या वजह है कि डॉलर के मुकाबले सबका गिरना और उतरना नापा जाता है? अजय देखिए, करेंसी तो बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि अजय आपकी शर्ट मुझे बहुत पसंद है, ये आप मुझे दे दीजिए और उसके मुकाबले मेरे मुझसे कुछ ले लीजिए, बीच में करेंसी नहीं आएगा, सीधा हम एक दूसरे के साथ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बार्टर कर सकते हैं, एक चीज लिया एक चीज दिया। लेकिन क्या होता है कि हर वक्त आपको उसी मूल्य का चीज दुकान में नहीं मिलेगा, जिसे आप एक चीज ले जाकर कहेंगे कि मुझे ये दे दीजिए, ये चलिए मेरा ये मैंने ये घर पे 10 रोटियां बनाई है, आप ये ले लीजिए और मुझे 1 किलो आलू दे दीजिए, ये नहीं होता है ना। तो एक करेंसी यानी कि मुद्रा की जरूरत होती है, जो एक तरीके से एक बीच में आता है। हम करेंसी में बदलते हैं जो चीज हम बनाते हैं, चाहे वो सर्विस हम बेचते हैं या चाहे हम कोई चीज बनाकर बेचते हैं, और उस करेंसी से जाकर कोई चीज खरीदते हैं। अब दूसरा पार्ट आपका सवाल है कि डॉलर क्यों, रुपया क्यों नहीं चलता है दुनिया भर में। अब देखिए, अगर आज मैं अजय आपको कहूं कि मैं अब से अपना एक करेंसी निकाल रहा हूं, आप इसी में मेरे साथ जो भी चीजें हैं, मेरे साथ जो भी आपका इंटरेक्शन है इसी करेंसी, आप क्या मानेंगे? नहीं ना, आप तो भारत में रुपया को ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि रुपया ही हमारे देश में चलता है। अब 19 आप देखिए कि पिछले शतक में क्या होता था कि गोल्ड बैक करेंसी होता था, लोग गोल्ड मांगते थे, सोना मांगते थे, किसी भी देश के बीच में जब इंटरेक्शन होता था तो वो गोल्ड बैक्ड होने की जरूरत होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, पिछले एक शतक में अमेरिका सबसे बड़ा इकोनॉमी के तौर पर उभर आया है और दुनिया भर में लोग मानते हैं कि अमेरिकी करेंसी सबसे स्टेबल रहेगा, डॉलर से हम कहीं पे भी कुछ खरीद सकते हैं। ये 1940s 1950s के बाद लगातार पूरे दुनिया में हुआ है कि डॉलर यूनिवर्सल करेंसी बन गया है। लेकिन हाँ, अब बहुत सारे देश क्या करते हैं, बास्केट ऑफ करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि कुछ यूरो, कुछ डॉलर, कुछ थोड़ा होगा शायद युआन, येन, और कहीं कहीं पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ ट्रेड हम सीधा उसी करेंसी में कर सकते हैं। जैसे अगर भारत इस वक्त रशिया से तेल खरीद रहा है तो सीधा रुपी और रूबल का एक्सचेंज हो सकता है। जब तक सोवियत संघ था, रुपए और रूबल का डायरेक्ट एक्सचेंज होता था। तो यही है कि डॉलर जैसे ही बड़ा है, ये इसका कारण है कि यूएस दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है और सभी लोग दुनिया में यूएस को चीजें बेचना चाहते हैं, और अगर यूएस को चीजें बेचने हैं आपको तो आपको डॉलर ही मिलेगा, और इसलिए आप बाकी देशों से भी जब चीजें खरीदते हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, आप डॉलर में ही करते हैं। जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो निर्मला सीतारमण कहा करती थी कि जब रुपया गिर रहा है तो भारत सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, लेकिन अब उन्होंने बयान दिया है कि मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि रुपया गिर नहीं रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है, और इसके बाद बहुत सारा उन पर माखौल भी बना, मजाक भी उनका उड़ाया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो तो देखिए, जब मेरी माँ खाना बनाती थी बचपन में, नमक ज्यादा होता था तो मैं बोलता था अरे नमक बहुत ज्यादा है, लेकिन जब मैं खाना बनाता हूँ कोई कहता है कि नमक बहुत ज्यादा है तो मैं बोलता नमक ज्यादा नहीं है, आप लोग आजकल नमक कम खा रहे। तो ये होता है जब आप सरकार में होते हैं तो आप कुछ कहते हैं, जब सरकार के बाहर होते हैं तब आप कुछ कहते हैं। हाँ, ये बात जरूर सही है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, और अगर आप बाकी करेंसी की तुलना में देखेंगे, यूरो देखे या पाउंड देखे या येन देखे, भारतीय रुपया जो है वो उतना नहीं गिरा है और बाकी करेंसी की तुलना में एक्चुअली बढ़ा भी है। लेकिन ये पिछले कुछ 2 सालों की बात है, 1 साल की बात है, जब पाउंड क्रैश कर गया, यूरो वीक हो गया, डॉलर बढ़ा है, बाकी उससे पहले
पाउंड भी हमारी तुलना में महंगा हुआ है, यूरो भी महंगा हुआ है, सिंगापुर का करेंसी भी महंगा हुआ है, दिरहम दुबई में जो चलता है वो भी डबल हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो लेकिन ये मोदी सरकार की गलती आप नहीं कह सकते, ये पिछले 30 सालों से सभी सरकार जो नीतियां फॉलो कर रही है उसके चलते हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप आराम से डॉलर को आने देंगे या जाने देंगे तो आप अपने मुद्रा पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यही बात है। ये साल की नीतियां जो आप कह रहे हैं इसको विस्तार दीजिए, और ये भी कि आराम से डॉलर आने देंगे और जाने देंगे, इन सारी बातों का मतलब क्या है, कहाँ पे खामियां हैं? देखिए, जैसे कि आज अगर आप जानते हैं कि कोई भी चीज का दाम बढ़ता है जब उसका डिमांड बढ़ता है, ठीक है, हम बेसिक जो इकोनॉमिक्स जो सभी लोग मोरलेस मानते हैं, हाँ उसमें उतार चढ़ाव जरूर आता है, आर्टिफिशियल डिमांड भी है, आर्टिफिशियल सप्लाई भी होता है, कंट्रोल भी रहता है। जब सोचिए कि हमारे देश में स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा हो तो क्या होता है कि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो क्या करते हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब उनको क्या करना है, भारत में इन्वेस्ट तो वो डॉलर में नहीं कर सकते, डॉलर को उनको रुपए में बदलना पड़ेगा और फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि रुपए की मांग बढ़ जाएगी डॉलर की तुलना में। रुपए की मांग अगर बढ़ गई तो रुपए का क्या होगा, रुपए का जो वैल्यू है, मूल्य, वो बढ़ेगा। यानी अगर रुपए की मांग आज वो बढ़ जाए तो वो 83 जहां भी, 82-83 जहां पर भी अभी रुपए है, वहां से डॉलर की तुलना में आकर 80 पे भी उतर सकता है और भी नीचे जा सकता है। जैसे कि 2007 के बीच में के टाइम पे जो हुआ था, 2006-07 में भारत में बहुत सारा विदेशी पोर्टफोलियो कैपिटल यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था और बहुत सारा अलाव भी किया गया था और उससे रुपए की मांग बढ़ गई थी। जैसे रुपए की मांग बढ़ी, क्या हुआ, 50 के लेवल से, 48 के लेवल से रुपए उतर कर 39 पे आ गया था। गिर कर मतलब सुनने में गिरना लगता है लेकिन एक्चुअली वो बढ़ना होता है, 39 पे आ गया था। क्यों? क्योंकि रुपए की मांग थी। लेकिन उसी तरीके से जब भारत का स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो क्या होता है कि सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो तुरंत पैसा निकालने के होड़ में रहते हैं और तब वो क्या करते हैं, रुपए को डॉलर में बदलने की कोशिश करते हैं। डॉलर का मांग तब रुपए की तुलना में बढ़ जाता है, यानी डॉलर मजबूत हो जाता है, रुपए गिर जाता है। और इसको रोकने का भी तरकीब एक है और वो लगातार आरबीआई करती रही है। ये बहुत जरूरी है बताना कि जब निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि देखिए भारत की स्थिति उतनी बुरी नहीं है, डॉलर बढ़ रहा है, बाकी आप देख लीजिए करेंसियों का क्या हुआ, ऐसी बात नहीं है। डॉलर को अगर आरबीआई जाकर नहीं बेचती, आरबीआई के पास डॉलर होता है ना, आप देखिए डॉलर का मांग बढ़ रहा है तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर बेचने लगेगी मार्केट में, डॉलर का सप्लाई बढ़ा देगी। जब डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा डिमांड की तुलना में क्या होगा, डॉलर रुपए की तुलना में थोड़ा सा गिरेगा, यानी रुपया मजबूत होगा। आरबीआई ने बहुत लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए इस वक्त, मतलब रुपए डॉलर में के तौर पे खर्च कर दिए इस वक्त रुपए को एक स्थिर लेवल पर लाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही है। और इसके चलते हमारा जो जो जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं वो घट गया है, क्योंकि आरबीआई ने लगातार डॉलर बेच, ये भारत की इकोनॉमी के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे देश से स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा पिछले 1 साल में निकल गया है। इसका कारण है कि सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने लगातार डॉलर पंप किया है मार्केट में रुपए को बचा के रखने के लिए। ये तकनीकी आपने बात कही, बहुत जो जिनके पास ठीक ठाक पैसा वो समझ जाते हैं, लेकिन आम लोगों को बताइए, ये स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाना, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, ये कैसे होता है? एक बिजनेस में पैसा लगाना तो समझ में आता है, दुकान में पैसा लगाना, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के डॉलर गिरना, उड़ना, चढ़ना, ये सारी थोड़ी बातें स्पष्ट कर दीजिए। जैसे कि अगर आज आप मेरे पास आए और कहे कि देखिए मैं एक बिजनेस खोल रहा हूं और आप मुझे पैसे दे दीजिए, कुछ उधार दे दीजिए, मैं कहूंगा उधार तो नहीं दूंगा लेकिन आप अपना 25% बिजनेस मेरे नाम कर दीजिए, ये लीजिए आप 10 करोड़ रुपए। हाँ मतलब है नहीं, किसी दे सकता लेकिन ख्याल ही पुलाव आप ठीक भी नहीं ले सकते, आपकी आप में भी दम नहीं है 10 रुपए 10 करोड़ लेने का। लेकिन सोच लेते कि हम लोग बिल्कुल सेठ लोग हैं ना, हाँ से 10 करोड़ मैंने दे दिया आपको और आपने 25% अपना बिजनेस मुझे दे दिया,
तो क्या हुआ, मैंने आपका स्टॉक खरीद लिया 25%। अब आप ये प्राइवेट एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैसे बढ़ाकर आप कह सकते हैं कि देखिए मैं सीधा तो इनको नहीं बेचूंगा, ये तो 10 करोड़ में मुझसे 25% ले रहे हैं। मैं क्या करता हूं, पब्लिक के पास जाता हूं, मैं स्टॉक मार्केट में जाकर अपना शेयर बेच देता हूं, मैं 25% ना देके 20% बेचूंगा, और 20% में मैं 20 करोड़ हो सकता है उठा लूं। कुछ बैंकर मुझे कहेंगे, कह रहे इनको क्यों दे रहे हो, जा। तो फिर हम स्टॉक मार्केट में इसको कहते हैं लिस्ट कर गए। अब हमने लिस्टिंग कर दी, शेयर बेच दिया, 20 करोड़ लेके हम निकल गए। इसके बाद हमारा स्टॉक मार्केट से सीधा कुछ लेना देना नहीं है, मतलब आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपका कंपनी चलता रहे। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक मार्केट से आपके कुछ शेयर खरीदे, और आपका कंपनी अच्छा चल रहा है तो आपका शेयर के दाम भी बढ़ रहे हैं, और जैसे शेयर के दाम बढ़ रहे हैं मैं शेयर खरीद रहा हूं और बेच भी रहा हूं। अब उसमें आपका कोई रोल नहीं है, हम थर्ड पार्टी एक दूसरे से बेच रहे, क्योंकि आप तो बेच के निकल गए ना जो आपका शेयर है, बाकी अब जो है थर्ड पार्टी एक दूसरे को शेयर बेच सकते हैं, जिन्होंने पहले बार जब आपने लिस्ट किया था, जिसको हम आईपीओ कहते हैं। हाँ, आईपीओ में जब आपने शेयर भेजा था, जिन लोगों ने खरीदा, अब जैसे शेयर के दाम बढ़े अब वो दूसरे लोगों को बेचेंगे, दूसरे लोग अब तीसरे लोगों को बेचेंगे, और स्टॉक मार्केट में जो शेयर आपने पहले बेच दिया है कंपनी ने, उनका खरीद फरोख्त होगा। ठीक है, अब अगर ये कंपनियां अच्छी कर रही है तो क्या होगा, चाहे वो देश अच्छा कर रहा हो या ना हो, कंपनी की प्रॉफिट अच्छा हो रहा है या नहीं, अगर होगा तो, और अगर उस देश ने अलाउ कर दिया कि फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो भी खरीद सकते हैं, अब फॉरेन इन्वेस्टर आके भी खरीदेंगे। जब फॉरेन इन्वेस्टर आकर खरीदेंगे तो वो डॉलर डालेंगे, लेकिन आपका लग देखिए कि कहा जाए कि आपका कंपनी अब ठीक नहीं कर रहा है, या भारत में कहा जा रहा है कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो भारतीय शेयर बाजार में थोड़ा सा गिरावट आएगा। तब क्या होगा, सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो बेच के निकलने की कोशिश करेंगे, वो रुपए में बेचकर डॉलर में बदलेंगे, यानी वो डॉलर को कन्वर्ट करना चाहेंगे, या डॉलर का मांग बढ़ जाएगा, डॉलर का मांग बढ़ जाएगा तो रुपए वीक हो जाएगा, सीधी बात है। अब आगे चलते हैं। ये था कि पहले जो था सरकार कंट्रोल करती थी डॉलर पे, अब पूरी तरह से मुफ्त मुक्त है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है? सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एक डॉलर कितना आ सकता है, कितना जा सकता है, उस पर कंट्रोल रखें, या आप एक्सचेंज रेट पर फिक्स रखें, तो क्या होगा, आप जब सबसे जरूरी जो आपके इंपोर्ट्स है, जैसे सबसे जरूरी है कच्चा तेल, ठीक है, कच्चा तेल वगैरह या कुछ मशीनरी वगैरह जो आपको खरीदना पड़ता है, आज क्या होगा, जैसे रुपया वीक होगा तो क्या होगा, आपको ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे उसके लिए। और अगर आप जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फिक्स करके रखें, अगर आप कैपिटल कंट्रोल जिसको बोलते हैं उसको कंट्रोल करके रखें, तो आपको आप उसी रेट पे खरीद फरोख्त करेंगे, आपका जो इकोनॉमी है इस तरीके से बिल्कुल डॉलर का एक तरीके आप कह सकते हैं एक प्रिजनर नहीं बन जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज के डेट पे क्या होता है कि सरकारें कुछ भी करे, और अगर फॉरेन इन्वेस्टर को वो अच्छा ना लगे तो वो बोलेंगे भैया हम तो बेच रहे हैं, स्टॉक मार्केट से हम जा रहे हैं, और आपका रुपया क्रैश कर जाएगा। रुपया आपका क्रैश करेगा तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, और आपको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि हम करें क्या, करें तो करें क्या। और आपको क्या करना पड़ेगा कि रुपए को डॉलर को बचा के रखने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो इन फॉरेन इन्वेस्टर है उसको लगे ठीक है मैं स्टॉक मार्केट में ना लगा के डेट में लगा देता हूं, यानी कि जो बैंक हुआ या कॉर्पोरेट बॉन्ड हुआ उसमें लगा दो, उसमें तो अच्छा रिटर्न है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या हुआ, आप अगर कोई बाय मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, आप थक गए हैं मेट्रो से आके, तो देखिए आपके पास 10 करोड़ में बोल रहा था भैया, अब आप मेट्रो की बात तो करा, लेकिन लेकिन आप बाइक में खरीदना चाहते, आपको इंस्टॉलमेंट में आप खरीदना चाहते, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप दो बार सोचेंगे। अगर आप वापस सेठ बन गए हैं और आप लोन लेकर बड़ा मशीन लगाना चाहते फैक्ट्री, आप दो बार सोचेंगे, क्योंकि आपका पेमेंट ज्यादा, यानी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कम हो जाएगा, चीजें कम हो जाएगी, कम बिकेंगी, तो ये किसी भी देश के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो फ्री ट्रेड है,
अगर वैसी व्यवस्था ना होती, एकदम मुफ्त जिसको आप कह रहे हैं सामान आना और जाना, कुछ उस पर कंट्रोल होता तो ये डॉलर का गिरना, रुपए का इतना गिरना होता नहीं। तो इसको थोड़ा बताइए कि क्या है, इसका मतलब क्या है। वही, अगर आपका आज के डेट पे कोई भी, मुझे जितना याद है शायद 250,000 डॉलर यानी 2.5 लाख डॉलर शायद साल में खरीद के बाहर ले जा सकता है और उसको वो किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकता है या डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है और छुट्टियों में जाकर फॉरेन कंट्री में 20-30 हजार डॉलर खर्च करके आ सकता है। और हमारे देश में छुट्टियों पर बहुत सारा अमीर लोग डॉलर खर्च करते हैं, डॉलर डिमांड बहुत बड़ा इससे भी है। पहले एक टाइम था, आपको, आप शायद दूरदर्शन के टाइम में पैदा नहीं होंगे, जब हम लोग छोटे थे 80 के दशक में दूरदर्शन पे एक मूवी लगातार आता था, उसका नाम था अराउंड द वर्ल्ड इन 8 डॉलर्स। इसका कारण ये था, राज कपूर थे उसमें, इसका कारण ये था कि उस टाइम पे आप सिर्फ 8 डॉलर ले जा सकते थे। 8 डॉलर में आपको जो करना है करके आ जाइए, ठीक है, नहीं तो आपको स्पेशल परमिशन की जरूरत होती थी उसको और भी डॉलर लेने के लिए। तो इसीलिए टोटल डॉलर डिमांड जो देश के अंदर था वो लिमिटेड था, वो रेशन था। आपको अगर ऑयल खरीदना है, कच्चा तेल की जरूरत है तो डॉलर उस पर खर्च होगा। कोई मशीन चाहिए जिससे हमारे देश में आप कह सकते हैं कि खुद इंडिपेंडेंट बने, उन चीजें बनावे, तो डॉलर पे आप खर्च कर सकते थे। लेकिन ऐसे तैसे आप डॉलर नहीं ले सकते थे कि आपने जाके कोई फॉरेन में जाके बड़ा सा 20,000 डॉलर का कोई बैग ले लिया, ये आप नहीं कर सकते। अब मुझे पता नहीं 20,000 डॉलर का बैग होता है या नहीं, लेकिन कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे, घड़ियां वड़ियां, तो आपने ले, तो कंट्रोल से ये इतना डॉलर का डिमांड नहीं बढ़ता और फिर आप कंट्रोल कर पाते कितना, और ये ट्रेड की बात कर रहा हूं। डॉलर मजबूत हो रहा है तो जो दुनिया के दूसरे मुल्क की करेंसियां हैं वो डॉलर के मुकाबले ज्यादा गिर क्यों रही हैं, जैसे पाउंड है या दूसरी करेंसियां हैं, इसके बारे में थोड़ा। जैसे हमने कहा कि ये फ्री फ्लाइट ऑफ कैपिटल के कारण से होता है कि एक देश से दूसरे देश में आराम से जा सकता है। और जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, आप जानते हैं कि IMF ने कहा है कि अगले साल कहीं कहीं पर रिसेशन आ सकती है, मंदी आ सकती है, और सब जानते हैं कि थोड़ा बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस अब पूरे दुनिया में है। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो क्या होता है, दुनिया भर का जो कैपिटल है वो डॉलर में भागता है, वो जाता है डॉलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, वो जाता है होम इकोनॉमी। और इसका एक और बड़ा कारण है कि US में इसी साल जनवरी से लेकर अभी तक 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। तो अब आप US के बैंक में भी रख के अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। आप क्यों कहीं पे जहां पे इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है वहां पे क्यों लगाएंगे? तो क्या होता है कि दुनिया भर का पैसा, जो पोर्टफोलियो कैपिटल होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो वापस US जा रहे हैं, होम इकोनॉमी में जा रहे हैं और दुनिया भर से पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। और इसके चलते डॉलर मजबूत हो रहा है हर एक करेंसी की तुलना में और बाकी करेंसियां गिर रही। अब आपसे अंतिम सवाल वही महेश बाबू का कि वो 100 रुपए का नोट दिखा के कह रहे हैं जिन्होंने कभी डॉलर नहीं देखा, तो डॉलर जब मजबूत होता है, डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिरता है, तो उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है जिन्होंने कभी डॉलर नहीं देखा है? अब देखिए, महेश बाबू के जिंदगी पे असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके जो महेश बाबू हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और शाम को वो बैठकर हिंदी न्यूज चैनल देखते हैं और वहां पे सारे जो एंकर हैं वो बताते हैं, देखिए दुनिया में सबसे मजबूत भारत का रुपया। सीधी बात है, जब डॉलर मजबूत होता है रुपए के तुलना में तो सबसे बड़ा असर पड़ता है एक चीज पर, कच्चा तेल। कच्चा तेल जब हमारे इंपोर्ट होता है, हमारा 80% हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। दूसरा है नेचुरल गैस, 45% नेचुरल गैस जो हम खर्च करते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो ज्यादा महंगा हो जाता है। और इसका एक सीधा इंपैक्ट पड़ता है, सबसे पहले आपके कन्वीनियंस पे, पेट्रोल डीजल पर आपका खर्चा बढ़ता है। दूसरा है जो आप खाना खाते हैं, क्योंकि आप देखिए कि एग्रीकल्चर में लगभग, मुझे जितना तक याद है, 23% भारत का डीजल एग्रीकल्चर में खर्च होता है। हो सकता है ये नंबर थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन उसी के आसपास है, एग्रीकल्चर में खर्चा होता है। यानी क्या है,
वाटर पंप चलाते हैं किसान, ट्रैक्टर चलाते हैं, हार्वेस्टर चलाते हैं, और उसके बाद आता है कि आपके घर तक, जो खेत है आपके टेबल तक, जो अनाज आता है या फल आता है, सब्जी आता है, उन सबको कोई ट्रक या कुछ लेकर आता है। तो इसके भी दाम बढ़ते हैं। कच्चे तेल से सारे प्लास्टिक की चीजें बनते हैं, रबर का प्राइस इंपैक्ट होता है, पेंट का प्राइस इंपैक्ट होता है, कॉस्मेटिक्स तक कच्चे तेल से बनता है। जो आप वैसलीन मुंह पर लगाते हैं, कोई लोग, वो भी कच्चे तेल से ही बनता है, उसका नाम व्हाइट पेट्रोलियम जेली होता है। सभी चीजें महंगी होती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं, और महेश बाबू ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन चीजें महंगाई बढ़ जाती है, तब वो कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। शुक्रिया इस पे बात करने के लिए। तो अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं, हमारे Facebook पेज और Twitter पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।